दो इसे तोप के मुंह में। यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिलेगा हिंदुस्तान में बसने का तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। यह भीड़ देखकर आप समझ ही गए होंगे, दरअसल ये भीड़ टिकट के लिए लगा है। तूने जितनी कुरान पढ़ी है ना, उससे कई ज्यादा मेरी माँ ने मुझे सुनाई है। दोस्तों क्या ही बात करें इस मूवी का। गदर 2 जो कि जो फर्स्ट गदर आया था वह गदर सही में गदर मचा दिया था, और ये जो गदर 2 आया है उससे भी ये लाजवाब मूवी है। आप लोग जाकर देख सकते हैं सिनेमा घरों में। अभी तो मूवी को देखने के लिए इतनी पब्लिक जा रही है कि पूछिए मत, टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। तो जो फर्स्ट गदर था उसका कुछ डिटेल बता दूंगा, और जो अभी गदर 2 चल रहा है उसका मैं डिटेल बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गदर एक प्रेम कथा। दोस्तों स्टार कास्टिंग की बात करें तो सनी देओल साहब, अमीषा पटेल और विलेन के नज़र में आए थे अमरीश पुरी साहब। 15 जून 2001 में रिलीज हुआ गदर एक प्रेम कथा बहुत ही धूम मचाया था छोटे से बड़े पर्दों पर, और उसी का ये पार्ट 2 है गदर 2 जो कि उससे भी यह बेहतर जा रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं, इस मूवी को 2-3 दिन हुआ और इसका व्यू करोड़ों में जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं पोस्टर द्वारा इसका जो व्यू है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, और लोगों को कई दिनों से इंतज़ार था गदर 2 आए और गदर 2 को हम लोग देखें। सनी देओल साहब मुख्य किरदार में रहते हैं, अमीषा पटेल रहती है जो कि सकीना नाम से जानी जाती है उस मूवी में, और अमरीश पुरी साहब जो कि अशरफ अली के नाम से जाने जाते हैं गदर एक प्रेम कथा में। दोस्तों गदर एक प्रेम कथा जब आया था तब सही में गदर मचा कर रख दिया था, और यह मूवी अपने देश पर आधारित बनाया गया था, और ये जो गदर 2 है उससे भी ये ख़तरनाक है। आप चाहें तो नज़दीकी सिनेमा घर में भी देख सकते हैं, और मोबाइल पे भी इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। गदर एक प्रेम कथा 15 जून 2001 में रिलीज हुआ, उसमें 18 करोड़ लागत हुआ था जबकि 74 करोड़ यानी 74 करोड़ इनकम हुआ था उस मूवी से, और गदर 2 इसमें 54 करोड़ का लागत हुआ है। पर इसमें कितना अर्न होगा, कितना कमीनी होगा, ये तो अभी कंटिन्यू है, इसके बारे में हम भी नहीं बता सकते हैं। गदर एक प्रेम कथा जिसके डायरेक्टर अनिल शर्मा जी थे, और गदर 2 जो कि प्रेम कथा का जो पार्ट 2 आया है गदर 2 इसका भी डायरेक्टर अनिल शर्मा जी है। तो आप लोग कहीं भी देख सकते हैं, जो फर्स्ट मूवी था और ये जो सेकेंड मूवी है इसमें कितना का डिफरेंस है। मैंने देखा बहुत ही लाजवाब है, और जो फर्स्ट मूवी था गदर उससे भी कई गुना ज़्यादा ये बेहतर मूवी है। मुझे देखकर यह मूवी बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही पसंद आया यह मूवी। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? मूवी के सिलसिले में बात करूं तो कितना मूवी आया और कितना मूवी चला गया। कुछ ही दिन पहले पठान मूवी रिलीज हुआ था, उसने भी बहुत सारा पैसा अर्न किया था, बहुत सारा पैसा कमाया था। उसके बाद से उसके टक्कर देने वाला पार्ट 2 यानी गदर 2 सनी देओल साहब का आया, और OMG जो कि अक्षय कुमार जी का था उसका टक्कर देने वाला गदर 2 आया। तो अभी आप लोग जाइएगा सिनेमा घरों में तो सबसे पहले आप लोगों को इतना लाइन मिलेगा, इतनी भीड़ मिलेगी, टिकट मिलना नामुमकिन है। इस मूवी के देखने के लिए 1-1 महीना पहले से ही टिकट एडवांस में बुकिंग करा कर लोग रखे हैं। दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और स्क्रीन पर भी शो कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।